सदर थाना अंतर्गत बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार सदर परिसर निवासी सागर शाहू की अनिकेत और विल्सन के साथ पुरानी रंजिश थी। इसको लेकर दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ हमले करने के लिए आमादा थे। बीती रात बस्ती में शादी थी, उसी शादी में सागर कुछ दोस्तों के साथ गया था। शादी से निकलने के बाद सागर सदर के प्लाजा बार में शराब पीने चला गया। वहाँ पर विल्सन और अनिकेत भी काउंटर के पास बैठकर शराब पी रहे थे। तभी सागर की नजर विल्सन पर पड़ी और विल्सन ने भी उसे देखा तो विल्सन ने उसे कहा कि तू घूर के क्यों देख रहा है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। विल्सन और सागर के दोस्तों में भी बहस हो गई। विल्सन और सागर के दोस्तों ने उस समय झगड़ा होने से बचा लिया। उसके बाद विल्सन और उसके दोस्त अपने घर निकल गए। सागर भी अपने दोस्त के साथ घर जाने के लिए निकले, तभी उसको अनिकेत का फोन आया और अनिकेत ने कहा कि विल्सन और उसके दोस्त तेरे पर हमला करने के लिए तुझे ढूंढ रहे हैं, तू मुझसे मिलने के लिए आ जा। तभी सागर अनिकेत से मिलने के लिए चला गया और जैसे ही सागर गाड़ी से उतरने लगा तभी उस पर विल्सन और अनिकेत और उसके अन्य साथियों ने हमला कर दिया। अनकापुर में जिम मारते हैं, हम जिम से आए डायरेक्ट घर के पास बैठे। घर से बैठने के बाद हम बार पे गए, वहाँ दारू पिए। दारू पीने के बाद हम लोग घर निकले, ज़्यादा दारू नहीं पी के थे। तो विल्सन 10-15 लड़के लेके बैठा था, तो इसने मैंने उसको थोड़ा समझाया, मचमच हुई झगड़े भाषी, तो मैंने उसे समझाया तो वो चले गया। तो बोले मैं तुझे देख लूँगा, तो मैं बोला ठीक है। हम लोग वहाँ से चले गए तो ये हमको देखने आया, तो जो अनिकेत ये अपना विल्सन सदर में रहता है, विल्सन खटीक मोहल्ले पे, तो ये हमको ढूंढते ढूंढते आया। तो अनिकेत से इसका कांटेक्ट था, अनिकेत झांझोटे से इसका कांटेक्ट बहुत अच्छा था। तो इसने कॉल किया अनिकेत को, इसने बोला कहाँ पर है। तो हम लोग बैठे थे घर के पास, मैं और सागर साहू, तो हम लोग दोनों गए जैसी। तो अनिकेत का फ़ोन आया, बोले कहाँ पर है, बोले तो इधर आओ, बोले मेरे से मिलने, बोले तो हम गए वहाँ पर। तो इसने सागर साहू के ऊपर चाकू मारना चालू कर दिए। विल्सन था और अनिकेत सब में पहले आया, लेकिन उसने हमारी थोड़ी बहुत मदद भी किया। अब लेकिन घटना की जानकारी में शायद शामिल हो सकते हैं कोई ना कोई। गंभीर रूप से घायल होने पर सागर गिर गया और आरोपी अनिकेत और विल्सन उसके साथ ही फरार हो गए। सागर और कुछ दोस्त उसे ऑटो में डालकर मेयो अस्पताल लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित किया गया। यामध्ये आम्हाला एकूण 4 आरोपी निष्पन्न झालेले आहे आणि त्यापैकी जो मुख्य आरोपी आहे विल्सन पिल्ले, याला आम्ही घटनास्थळावरून चौघे फरार झाले होते, त्यांचा आम्ही शोध घेतला होता। विल्सन पिल्ले याला आम्ही अटक केलेली आहे, उर्वरित आरोपींचा आम्ही शोध घेत आहोत। यातील आरोपी आहे विल्सन पिल्ले आणि त्याचे 3 साथीदार आहेत। हे काल प्लाझा बार म्हणून सदरमध्ये आहे, या ठिकाणी रात्री ते दारू पीत होते। तेवढ्यातच फिर्यादी आहे निहाल तांबे आणि यातील मृतक आहे सागर साहू। हे दोघे नई वस्ती सदरमध्ये राहतात, हे सुद्धा तिथे दारू प्यायला गेले आणि तिथे ते रात्री त्यांच्या आपसामध्ये घुरून पाहण्या एक दुसऱ्याला घुरून पाहण्याबद्दलचा किरकोळ वाद झालेला होता आणि वाद झाल्यानंतर ते सर्व तिथून निघून गेले। आणि याच कारणावरून रात्री 12:30 वाजताच्या सुमारासमध्ये हे चारही आरोपी 2 टू व्हीलर गाडीनं नवी वस्ती या एरियामध्ये वस्तीत गेले। तिथे फिर्यादी आणि मृतक हे त्यांना उभे दिसले। त्यातील आरोपीपैकी विल्सन पिल्ले याने तिथे त्याच्या जवळील चाकू काढून मृतकचे मानेवर आणि कमरेवर चाकूचे 2 घाव मारले आणि ते सर्व आरोपी तिथून पळून गेले। मृतक हा गंभीर जखमी असल्याने त्यास सोबतचे त्याच्या मित्रांनी मेयो हॉस्पिटल येथे भरती केले, डॉक्टरने तपासून त्यांना मृत घोषित केलेले आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपुर।